हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल वर्ब्स के यूजेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट मॉडल वर्ब्स में नहीं रहेगा। दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले मॉडल वर्ब्स हैं शुड, इट मींस चाहिए। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। इस टाइप से शुड का स्ट्रक्चर बनता है। चलिए ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। उन्हें जाना चाहिए, दे शुड गो। यहां पर दे सब्जेक्ट, शुड और गो वर्ब फर्स्ट। नेक्स्ट इज उसे नहाना चाहिए, ही शुड बाथ। आवर नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड बी, इट मीन्स सकती थी या सकती है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे यह बेहतर हो सकता है, इट कुड बी बेटर। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। नेक्स्ट वर्ब इज शुड बी, इट मीन्स होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। उसे लिख रहा होना चाहिए, ही शुड बी राइटिंग। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड हैव, कुड हैव मीन्स सकते थे। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड। उसके पास बाइक हो सकती थी, ही कुड हैव ए बाइक। वह वहां जा सकती थी, शी कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट वर्ब इज वुड बी, इट मीन्स होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह वहां होगा, ही वुड बी देयर। कुणाल ऑफिस में होगा, कुणाल वुड बी इन ऑफिस। वह सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग। नेक्स्ट वर्ब इज शुड हैव, इट मीन्स चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव रेड। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। नेक्स्ट वर्ब इज शुड हैव टू, इट मीन्स करना ही चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे लिखना ही चाहिए, ही शुड हैव टू राइट। इसमें ही सब्जेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शुड हैव टू, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, और यहां पर आगे अगर ऑब्जेक्ट होता तो दोस्तों ये आगे चला जाता, प्लस वर्ब के बाद में, वर्ब फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता। नेक्स्ट इज तुम्हें खाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू ईट। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड हैव टू, इट मीन्स करना पड़ सकता है।
इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसे नहाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू बाथ। आवर नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज वुड हैव, इट मीन्स कर चुका होगा या पास होगा। इसके दो अर्थ होते हैं और इसका यूज किस किस टाइप से होता है। जैसे हम जा चुके होंगे, चुका होगा के अकॉर्डिंग हम जा चुके होंगे, वी वुड हैव गॉन। यह टेंस कर चुका होगा में काम करता है और पास होगा वाले में किस टाइप से होता है। जैसे मेरे पास घड़ी होगी, आई वुड हैव ए वॉच। हमारे अब लास्ट की ये मॉडल वर्ब बची है, ये है वुड। इसका मीन्स होता है होगा या करेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका यूज कैसे होता है, मैंने कहा कि वह पढ़ेगी, आई शेड दैट शी वुड रीड। इसका इस टाइप से यूज होता है, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, सेड दैट इस टाइप से होता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसने कहा कि तुम खाओगे, ही शेड दैट यू वुड ईट। दोस्तों आज की क्लास में बस केवल इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी सीख सकें। थैंक यू।